गाइस, हम पहुंच गए यहाँ पर और स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये पहाड़ी की सीढ़ी है और जा रहे हैं हम अल्लाह का नाम लेकर ऊपर। लेट्स गो, फिर चलते हैं आगे। अच्छा गाइज, अब हम जा रहे हैं ऊपर तो हमें टाइम तकरीबन लगेगा। वो कहते हैं ना, जिसे मंड के जाना, मंड के अगर जाएं तो तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे, क्योंकि उम्र का भी हिसाब होता है। हम अभी यंग हैं तो उस वजह से, उस हिसाब से मैं टाइम बता रहा हूँ। तो बाकी चलते हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे मनाज़िर हैं ये। अच्छा जी, यहाँ पर लोग आते हैं, दुआएं करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो जब यहाँ पर नीचे पंजा साहब के पास आते हैं तो उनकी ज़ियारत है, तो वो लाजमी ऊपर पहाड़ी बाबा जी को सलाम कर कर जाते हैं। भी एक मेन चीज़ है कि जो बाबा जी थे वो मुस्लिम थे, और जो पंजा साहब जहाँ मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो सिख थे। तो लेकिन फिर भी वो यहाँ पर सलाम कर कर जाते हैं। बाकी आपको आगे जाते हुए बाकी चीज़ें बताते रहेंगे। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे ये दो भाई मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि अब ये रोड बन चुकी है तकरीबन। तो आज से कोई 5-7 साल पहले, 10 साल पहले यहाँ पर खाली पहाड़ी थी, ये पत्थर बने हुए थे और पत्थरों का रास्ता बना हुआ था, तो काफ़ी लोग उस वजह से स्लिप वगैरह भी हो जाते थे। तो अब आप देख सकते हैं तकरीबन रोड बन चुकी है और ये टॉप तक जा रही है रोड। ठीक हो गया, वो आप देख सकते हैं वो ऊपर टॉप पे ये नज़र आ रहा है मज़ार। ठीक है, हमने वहाँ पर जाना है तो चलो चलते हैं फिर। अच्छा जी, ये जो बाबा जी के मज़ार तक जो रास्ता है ये उसका हाफ है। हम हाफ में पहुंच गए हैं, ठीक है, मिड में। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे इधर पीछे मस्जिद है, पीछे बाकी दुकानें वगैरह हैं, लोग यहाँ से चीज़ें वगैरह लेते हैं, ठीक है, बूटियाँ चल्ले वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है। और हम जा रहे हैं अब ऊपर ऊपर की तरफ, तो चलो फिर चलते हैं। अच्छा जी, हमने जाना है वो ऊपर टॉप पे। ठीक हो गया, तो चलते हैं फिर ऊपर।
सुनाओ कैसे तुम्हारा अभी जा रहा ऊपर? भाई यार बस हो गई, अभी ऊपर टॉप पर पहुंचे नहीं, लेकिन पहली बस हो गई है। सारी कोरोना की मस्ती है, साल 6 महीने हो गए हैं, कॉलेज वगैरह भी नहीं गए, इसकी वजह से जो स्टेमिना हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो चलते हैं ऊपर अभी 5-10 मिनट बाद। ये महल तो थके या नहीं थके? यार थके था क्योंकि स्टेमिना इतना लूज हो गया, जो मैंने आपको रीज़न पहले बताई है कि साल 6 माह हो गया, कॉलेज वगैरह भी नहीं जा रहे, तो घर में बैठे हैं, तब से इधर ही बात है, फिर स्टेमिना भी नहीं रहा पहले जैसा। वरना आप मैंने पहले बताया था कि 30-35 मिनट में हम ऊपर पहुँच जाते हैं, लेकिन आज तो अखीर ही होती है। चलो खैर सामने आप एक मशीन होती है यहाँ पर, यहाँ से पत्थर वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पर फिर मशीनें लगी होती हैं, वो आपको बस पता है क्रशिंग वगैरह आती है, मछली बनती है और बाकी चीज़ें बनती हैं। देखिए पहाड़ी काट काट के आधी कर दी है।